गाइस हमने आलू को बॉईल कर लिया है, अब हम इसे छील लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से छील लेना है, हमारे पास बड़ा बड़ा था इसलिए हमने ये धो लिया है। धनिया को गाइस हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। गाइस हमने आलू ले लिया है, इसे बॉईल कर लिया है। एक कद्दूकस ले लेंगे हम, ये बारीक वाला, इससे हम कद्दूकस करेंगे। ये सारा हम कद्दूकस कर लेंगे। इधर हम लहसुन की कली भी हम इसको कद्दूकस कर करके ले लेंगे। देख सकते हैं गाइस हमने आलू को, एक बड़े आलू को कद्दूकस कर लिया है। इधर हमने धनिया चॉप कर लिया है। इधर हमने ये लहसुन की कलियाँ को हमने कद्दूकस कर लिया है। इधर हमने दरदरी कुटी लाल मिर्ची ले ली है। सामने एक कटोरी सूजी ले ली है, ये बारीक वाली सूजी ले ली है, इसको मोटी सूजी नहीं लेनी है। अब हम बनाना शुरू करेंगे गाइस। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हम अपना घी डालेंगे, आप चाहे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसे लहसुन डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से हम पकने देंगे, इससे हम अच्छे से हम फ्राई करेंगे, अच्छे से लाल होने तक उसे पकाएंगे। धीमी गैस से ही गाइस इसे पकाना है। देख सकते हैं गाइस हमारा ये लहसुन हो चुका है, ये लाल हो चुका है। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। गाइस हम ये अपनी कुटी हुई लाल मिर्ची ले लेंगे, आपके पास नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्ची लेके बारीक बारीक तोड़ सकते हैं। इसे भी पकने तक वेट करेंगे। देख सकते हैं गाइस बॉईल आ चुका है, हम आधी चम्मच नमक डाल देंगे, हम इसे भी अच्छे से मिला देंगे। ये जो हमने बारीक वाली सूजी ली थी वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हम अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। ये वो भी डाल देंगे हम इसी में थोड़ा सा करके। देख सकते हैं गाइस हमारी ये सूजी अच्छे से मिल रही है। हमने ये जो आलू कद्दूकस करे थे वो भी डाल देंगे, वो भी हम अच्छे से हमें मिला देंगे इसमें। देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, और तले में देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, देख सकते हैं आप। गाइस अब हल्का ठंडा होने तक हम इसे थोड़ा सा हम ऐसे मस लेंगे, हल्का ठंडा हो चुका है, ऐसे मस लेंगे हम अच्छे से, सॉफ्ट कर लेंगे। गाइस ऐसे मिलाने से ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। गाइस हरा धनिया डाल दिया है हमने, वो भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। सकते हैं गाइस अच्छी सी हमारी वाइंडिंग हो चुकी है, कितना देखने में सुंदर लग रहा है। ये लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, इसको रेस्ट नहीं करना है और हम इसकी बॉल बनाएंगे, इसकी रिंग्स बनाना शुरू कर देंगे। इतनी हमें लोई ले लेनी है, हम अच्छे से इसे बेलेंगे। गाइस अब हम सरसों का तेल ले लेंगे, हम ये चकले पर भी लगा लेंगे, हम बेलन पर भी लगा लेंगे। गाइस बेलन पे भी हम अच्छे से लगा लेंगे तेल। गाइस अब हम इसे एक लोई ले ली है, हम अच्छे से बेलेंगे इसे, इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है। गाइस हमने ये ढक्कन ले लिया है, हम उसके सहायता से बनाएंगे, हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा छोटा वाला ले लिया है एक हमने, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बन रहा है। ऐसे ही हम ये वाला बनाएंगे,
ऐसे ही गाइज हम सारी रिंग्स बना लेंगे। हमने सब में निशान बना लिए। एक्स्ट्रा जो हमारा ये पार्ट है हम इसे निकाल लेंगे, दोबारा से हम इसे बेल लेंगे, जैसे धीरे धीरे से निकाल लेंगे सारा। गाइज अब हम स्माइली बनाएंगे, हमने छोटी छोटी लोई तोड़ ली है, हम ऐसे करके स्माइली बना लेंगे। छोटी सी लोई तोड़ ली है हमने, इसको भी हम पूड़ी की तरह बेलेंगे। देख सकते हैं ऐसा ढक्कन ले लो, इससे हम प्रेस भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा मोटा ही रखना है। और ऐसे करके हम स्माइली देख सकते हैं हमने स्माइली बना ली है, ये हमने ये रिंग्स बना ली हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे, देख सकते हैं आप, इसको हम ऐसे करके हम बना लेंगे स्माइली। देख सकते हैं हमारा तेल हो चुका है, हम अपनी रिंग्स डाल देंगे। ज़्यादा रिंग्स नहीं डालने, हिसाब से डालिएगा, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हल्के हाथ से ही डालने होते हैं। देख सकते हैं आप हमने सारी रिंग्स डाल दी है इसमें। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारी ये स्नैक्स बन चुके हैं, रिंग्स वगैरह, स्माइली रिंग्स, ये हमारी छोटी स्माइली, बड़ी स्माइली वो रिंग्स है। गाइस बहुत गाइस खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत क्रंची भी है, देख सकते हैं आप क्रंची बने हैं हमारी तरह से बनाई है।